इतना है इतना कैमरा डाउन करो बाबू। देखो बाबू क्या करना है हमको, क्या करना बाबू? ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, लीनियर कहा है सर? क्यों बहुत पिटेंगे सेता? लीनियर कहा है सर? क्योंकि सारे वेरिएबल में पावर, सारे वेरिएबल में पावर कितना है बाबू? वन है, इसीलिए क्या हो गया? लीनियर हो गया। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सारे जगह देखो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब एक ही एक्स बाई जेड रहेगा यहाँ इस इक्वेशन में, बाहर कर देंगे शैतान विक्रम चिल्ले तरह। इस इक्वेशन में बाबू क्या सिंगल एक्स है तो वन वेरिएबल हो गया, इस इक्वेशन में भी सिंगल एक्स है तो वन वेरिएबल हो गया, सारे में देखो सिंगल एक्स है तो क्या हो गया वन वेरिएबल हो गया, है ना वन वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हो यहाँ पे क्या सिंगल बाई है, ये क्या सिंगल पी है तो वन वेरिएबल हो गया, यहाँ भी पी है वन वेरिएबल हो गया, यहाँ एक्स एक वो एक्स है ना तो इसको क्या कहोगे वन वेरिएबल कहोगे ना, और सारे में पावर कितना वन है, वेरिएबल पे पावर कितना वन है तो इसको क्या कहेंगे लीनियर कहेंगे, लीनियर कहेंगे ठीक। नेक्स्ट समझना है ना, अब इस टाइप के क्वेश्चन को अभी विक्रम बाहर कर देंगे जी, काम में कह ले है बाहर कर देंगे विक्रम, फिर चचेते रहना बकरी नियन जैसे। अरे बाबू अरना मोबाइल रोटेट करो भोला, अभी रोटेट करो लक्ष्मी। नेक्स्ट बाबू देखो क्या कर, क्या बोल रहे हैं? देखो बाबू नेक्स्ट क्या बाबू, आपको x बाई थ्री प्लस फोर है ना ठीक सर, तो पहले जो है ना पहले प्लस माइनस है उसको राइट साइड लेके जाओ, समझते चलो जो पहले प्लस माइनस है उसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ प्लस फोर है तो इसको राइट साइड लेके जाओ। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या रहता है, आपको एक्स को सिंगल करना रहता है, अकेला करना रहता है, तो एक्स के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में है डिवीजन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबको पकड़ पकड़ करके राइट साइड लेके जाओ, तो पहले प्लस है तो प्लस को राइट साइड लेके जाओ, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे सर एक्स बाई थ्री लिखेंगे, कितना लिखे शांति साहब, लिखना नहीं अब खाली 20 मिनट सुनना है। एक्स बाई थ्री बराबर सिक्स हो गया, ये प्लस फोर राइट साइड जाएगा, प्लस फोर राइट साइड जाएगा तो बताए थे जब प्लस राइट साइड जाता तो क्या होता है माइनस होता है, तो सिक्स माइनस फोर हो गया ठीक ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू फिर क्या हो जाएगा आगे इसको सोल्व करेंगे, एक्स बाई थ्री बराबर सिक्स माइनस फोर कितना होता टू, एक्स माइनस एक्स बटा थ्री बराबर सिक्स माइनस फोर कितना होगा टू होगा ठीक। नेक्स्ट बाबू अब ये थ्री मल्टीप्लाई में है ना, थ्री क्या मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा राइट साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भले थ्री यहाँ डिवीजन में, सॉरी बाबू थ्री यहाँ किस में डिवीजन में, एक्स बाई थ्री मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब क्या हो गया डिवीजन में, तो अब ये राइट साइड जाएगा, ये थ्री डिवीजन से राइट साइड जाए तो किस में हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपको आपको बचपन में पढ़ाए थे ना बाबू, बचपन में पढ़ाए थे ना, जब ये बाबू डिवीजन में है बाबू ये डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर टू मल्टीप्लाई थ्री तो x बराबर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, सिक्स है ना, तो यही जो x बराबर सिक्स हो गया ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन का क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, एक सब अकेला हो गया ना, आपको इक्वेशन में क्या करना था सोल्यूशन में, एक्स को अकेले करना रहता है, एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको अकेला करना रहता है, तो एक सब अकेला हो गया तो आंसर आ गया एक्स बराबर सिक्स क्या आ गया आपका आंसर आ गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यू हैव टू राइट डाउन बाबू 664 का ब्लैक कलर है ना, राइट डाउन कीजिए बाबू फिर इरेज करेंगे तो फिर सारे में जल्द। हाँ बाबू क्या हुआ विक्रम, अभी रिमूव कर देंगे, बहुत ज्यादा बोलते हो। अरे सर वो आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो कितनी बार बोलूं। राइट ऑन फास्ट बाबू, वी डोंट हैव मच मोर टाइम। रोशनी राइट ऑन, रोशनी कैमरा रोटेट करो बाबू। सर विक्रम को पिटाई पड़ा था सर, पड़ेगा उसको पिटाई, टेंशन क्यों लेते। नेक्स्ट ए ज्यादा मत बोल सर, पड़ा मत करो, पड़ा था क्या बहुत पिटेंगे सब शैतान। चलिए नेक्स्ट नंबर 665 है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू एक्स बाई फोर माइनस टू इक्वल टू क्या है फोर है ठीक है ना, देखिए क्या इसमें भी वही उसी तरह करना, पहले बाबू आपका जो भी प्लस माइनस है उसको राइट साइड लेके जाओ तो ये इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बाई फोर बराबर कितना फोर प्लस, ये माइनस राइट साइड जाए किसमें हो जाएगा प्लस में, फोर प्लस टू
तो एक्स बाई फोर बराबर कितना हो जाएगा, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, है ना। ठीक, अब ये डिवीजन में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये डिवीजन में राइट साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू कितना, सिक्स मल्टीप्लाई फोर, एक्स बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट डन बाबू। सर मतलब पहले हमको लीनियर इक्वेशन वाला करना है, फिर उसको डिवीजन में फॉर्म करके फिर हमको मल्टीप्लिकेशन में लाना है। नहीं, जो भी टर्म रहता प्लस माइनस वाला, पहले उसको राइट साइड भेजो, यहाँ पे डिवीजन है तो आपको एक्स को सिंगल करना रहता है, क्या करना रहता है, सिंगल करना था। अब जैसे इसको अकेला करो, है ना, देखो ना बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। सर डन। शांतनी मोबाइल रोटेट करो बाबू, इस तरह से मोबाइल रखे तब ना दिखाई देगा जी, ये सब शैतान। इस मोड में रखोगी मोबाइल तो आपको हल्का दिखाई देगा ना, हाफ पेज में ये हाफ डिस्प्ले में आएगा। नेक्स्ट बाबू। सर मेरे लिए तो वर्टिकल क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारा अभी बच, म्यूट करो तनु। नेक्स्ट 666, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, क्या आसान आसान है। 666 देखो, 3x इक्वल टू, थ्री को भी अलग करना है x से। हाँ देखिए बाबू, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी बाबू x वाला टर्म है, x के साथ प्लस माइनस है, उसको क्या करो, राइट साइड सेंड करो। कितना करो, राइट साइड सेंड करो। कैसे करोगे, नहीं ये प्लस सिक्स है, ये राइट साइड जाएगा, तो 3x, ये सिक्स, एक सिक्स ये वाला है, और ये सिक्स को राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो 3x बराबर 6 माइनस 6 क्या बचपन में पढ़ाए थे, जीरो पढ़ाए थे, उधर क्या देख रहे था? अरे शांत रहो, 3x है, अब x बराबर, ये 3 मल्टीप्लाई में, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर कितना होगा, जीरो, राइट साइड आएगा, ये राइट साइड आएगा, तो डिवाइड में आएगा 0/3। तो बाबू किसी नंबर में, बाबू है ना बाबू, किसी नंबर का है ना, जीरो को हमेशा बाबू, जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा, रिजल्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा, एक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा, है ना, जीरो होगा। थ्री के साथ एक्स, यहाँ पे बचपने से पढ़ा रहे हैं शैतान, थ्री के साथ एक्स मल्टीप्लाई में, या नहीं कुछ है तो क्या, मल्टीप्लाई है, तो जब ये मल्टीप्लाई राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखे वो जल्दी से, सर मैंने ये सब पहले से ही कर रखा है। अच्छा ठीक है, लिखी लक्ष्मी, एकदम इस्ता खुश है, एकदम इसी तरह खुशी मनाते रहे इस्ता। फिर कछुआ का लैपटॉप खराब हुआ। काव्या मोबाइल रोटेट करो, भोले काव्या, नेक्स्ट 67 नंबर लिख ली लक्ष्मी। सर स्वाति दीदी का लैपटॉप को क्या हुआ, सर खराब हो गया, उसका डिस्प्ले खराब हुआ। लिख ली लक्ष्मी भोले, सर का है सर सर करता, इसको आदत हो, ये दो गो एगो है ना, तीन गो है, एगो ये है, एगो तनु है, एगो वो है अगस्तिया, ये सब सर सर खाली करते रहता। पढ़ाई करी, सिर्फ खाली पढ़ाई करो। 8p + 4 = 12 पढ़ाई करी, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जो भी डाउट रहता है कॉल करके पूछो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, 8p + 4 = क्या, 12 है, तो पहले यहाँ से 8 को मत लेके जाना, जो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस है ना उसको पकड़ के लेके राइट साइड जाओ, जो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस है उसको पकड़ के राइट साइड लेके जाओ। मतलब क्या आप कहना, क्या आप कहना चाहते हैं कि प्लस 4 को राइट साइड लेके जाओ, तो 8p
बराबर 12 8p बराबर कितना 12 हो जाएगा। आई प्लस 4 राइट साइड जाएगा तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 8p बराबर 12 माइनस 4। मम्मी कितना पढ़ाई थी बचपन में, 8 पढ़ाए थे, यही ना पढ़ाए थे। अब यहाँ से 8 के साथ p के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई में है। p के साथ 8 p के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई है। p के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक, तो 8 ये मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। ये मल्टीप्लाई में ना है तो 8 हो गया, और ये जाएगा राइट साइड, डिवाइड में हो जाएगा। रिमूव कर देंगे तनु, म्यूट कीजिए मोबाइल, रोटेट कीजिए मोबाइल, म्यूट कीजिए। 8 के साथ ये मल्टीप्लाई है ना तो राइट साइड जाएगा, नीचे आ जाएगा। 8 मर गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो p बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। p बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही p बराबर क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया है ना। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर, आपने वो चेक करने के लिए बताया था ना, जहाँ पर भी p है वहाँ पर 1 डाल देना होता है, तो सर 8p के साथ इंटू में तो 1 को भी इंटू में रखना होगा। हाँ अच्छा बता देते, क्रॉस चेक कर ले, बता देते। 8 के साथ p मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1 करना, प्लस 4 करना, RHS आ जाएगा। मैंने टेस्ट में प्लस 1 कर दिया था, ऐसे क्वेश्चन था सर। हाँ प्लस नहीं करना रहता, लिखो जल्दी से नेक्स्ट। बाबू देखो इसको क्रॉस चेक करना रहेगा तो साइड में आप लोग जगह होगा, राइट साइड में इधर स्पेस होगा ना, उसमें लिख लो क्रॉस क्रॉस चेक, क्या लिख लो क्रॉस चेक। ठीक नेक्स्ट, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन दिल है 8p + 4 = 12, तो हम लोग LHS से चलेंगे। आपको स्टार्टिंग बताया ना, इक्वल टू साइन के इधर वाला जो रहता है उसको LHS, इक्वल टू साइन के इधर रहता है उसको RHS कहेंगे, क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। तो हम लोग किधर से मूव करेंगे, LHS से मूव करेंगे, LHS से मूव करेंगे। कितना सर, LHS में जिधर वेरिएबल रहेगा वही वाला टर्म लेना, तो हमको P का वैल्यू 1 आया है ना। ठीक, तो P मेरा किधर है, LHS में है, तो LHS वाला ना टर्म लेगा, LHS वाला टर्म सेलेक्ट करेगा ना। ठीक, जिधर जिधर वेरिएबल रहेगा उस साइड वाला टर्म, RHS में रहेगा तो RHS वाले टर्म को सेलेक्ट करना है। ठीक नेक्स्ट, तो 8p + 4 है, 8 हो गया, p की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 8 के साथ p मल्टीप्लाई में, तो 8 × 1 + 4 बहुत पीटेंगे आर्यन आलोक शैतान, बहुत पीटेंगे जी। 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक नेक्स्ट बाबू, अब 12 है तो ये मेरा RHS बराबर आ गया कि नहीं आ गया, RHS में 12 सर, इसको सॉल्व करने तक कितना आ गया, ये RHS बराबर आ गया ना बाबू, तो मेरा इक्वेशन क्या है, सही है, हमने सॉल्व किया बाबू, तो 12 आया, अब वही टर्म मेरा क्या, RHS में, तो मेरा इक्वेशन क्या है, सही, मेरा सॉल्यूशन क्या है, सही है। तनु रोटेट करो बाबू, कहाँ ऐसे करती हो तनु, बैठ के खाली कॉमेडी करते रहती हो जी। सर हाँ काव्या, सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, ब्लर आ रहा है, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो काव्या, स्क्रीन शेयर बंद करेंगे बाबू, नहीं तो फिर सर हो गया। चलो ठीक है नेक्स्ट, लिख ली लक्ष्मी, बहुत आवाज कर रहा है, मन से पढ़ा बाबू तनु। ये हो गया 668 नंबर करते हैं, 668 नंबर लक्ष्मी, समझ में आता बाबू, एकदम एल के जी से शुरू की भोला, हम लोग एल के जी से स्टार्ट किए, इससे नीचे नहीं हो सकता, आपको जहां से स्टार्ट किए है एकदम एल के जी से स्टार्ट किया हुआ है।
एक दो दिन में या थ्री बाई टू पी बाबू माइनस थ्री बाई टू है बराबर कितना टू बाई थ्री। ठीक ठीक बोला। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करने तो कैसे करना, ऐसा नहीं यहाँ से टू को पहले मत भेज देना, थ्री को नहीं भेज देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपके एक्स के साथ जो प्लस माइनस जो वेरिएबल है उसके साथ जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसको भेजो। तो वेरिएबल यहाँ क्या है सर, पी, पी के साथ में क्या थ्री बाई टू है, तो इसको राइट साइड भेजो। तो ये वाला टर्म राइट साइड जाएगा माइनस थ्री बाई टू, तो किस रूप में जाएगा प्लस के रूप में, मतलब थ्री बाई टू पी हो गया बराबर, ये तो उठ के राइट साइड चल गया। तो ये क्या है सर टू बाई थ्री है, क्या है मेरा टू बाई थ्री है, क्या है टू बाई थ्री है, और ये राइट साइड जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक ठीक बोला। अभी बचपन में सेल्फ सोल्व करे ला नहीं सिखाए हैं थ्री बाई टू पी, ये तो बचपने में इतनी से था उसी समय सिखाए थे ना जब छोटे को था। थ्री टू का एलसीएम कितना सिक्स, थ्री कटल पर सिक्स कितने टाइम में टू टाइम में टू हो गया, टू कटल पर सिक्स कितने टाइम में थ्री टाइम में थ्री हो गया। नेक्स्ट बाबू थ्री बाई टू पी, ये टू टू फोर हो गया प्लस नाइन हो गया डिवाइडेड बाई सिक्स हो गया थ्री बाई टू पी बराबर थर्टीन बाई कितना हो गया सिक्स हो गया। अभी ये आंसर हो गया नहीं, पी को अकेले करना, अभी पी मेरा अकेले नहीं हुआ, अभी पी के साथ थ्री बाई टू है, तो अब यहाँ से जिसको मन है उसको पहले भेज सकते हो। आपको इच्छा है आपको इच्छा है तीन को इधर भेजने का तो तीन को इधर भेजो, आपको मन है दो को इधर भेजने का तो दो को इधर भेजो, आप जैसे इच्छा जिसको भेज सकते हो, लेकिन वही रूल अप्लाई करना है ना। अगर आपको मन कर रहा कि तीन को राइट साइड भेजें, शांति से समझना, मेरा मन कर रहा सर तीन को राइट साइड भेजें है ना, तो तीन तीन के साथ यहाँ पी क्या है मल्टीप्लाई में, अरे पी यहाँ मल्टीप्लाई मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई में तीन के साथ, तो तीन इधर जाएगा, तो तीन मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में आएगा डिवाइड में, समझना शांति से। ये कितना था तीन चल जाएगा बाबू, तो ऐसे एक लाइन ऐसे दो बचेगा, शांति समझो, तीन इधर जाएगा जैसे क्या होगा थ्री टीन बाई सिक्स है। ठीक, तो तीन के साथ इधर मल्टीप्लाई है, तीन पी के साथ थ्री क्या मल्टीप्लाई, तो राइट साइड जाएगा डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में कैसे डिविजन लाइन यही है इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे अगर ऐसे लिख दोगी तो गलत हो जाएगा ना, थ्री इधर पी के साथ थ्री मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड लेकर जाओगे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये सिक्सटी थ्री हो गया, गलत हो गया है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थ्री डिविजन में आएगा, तो नीचे वाला अगर कोई नंबर रहेगा तो उसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब थ्री यहाँ से उठ के चल गया तो यहाँ कुछ हो नहीं ना बचा है ना, तो कभी भी कोई नंबर ऐसे जिंदगी में कभी नहीं देखोगे एक लाइन लिखा लेकर नीचे दो लिखा ला, ऐसे कभी नहीं होता है ना, ऐसे कभी नहीं होता डिवीजन में, ऐसे इसके ऊपर कुछ ना कुछ रहता, नहीं कुछ है तो क्या होता वन होता, यहाँ से थ्री उठ के चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा वन बचेगा, क्या बचेगा वन बचेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब ये टू क्या आ गया डिवाइड में आ गया, टू क्या है डिवाइड में, तो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टू डिवाइड में यहाँ तो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो पी बराबर समझना यहाँ से थर्टीन बाई सिक्स मल्टीप्लाई थ्री। ठीक, और टू यहाँ डिवाइड में ना है डिवीजन लाइन के नीचे है, तो ये इधर जाएगा डिवीजन लाइन के ऊपर हो जाएगा, डिवीजन लाइन के नीचे है तो इसको ऊपर भेजोगे तो डिवीजन लाइन के ऊपर हो जाएगा, तो डिवीजन लाइन के ऊपर ऐसे हो गया तो 132 हो जाता है ना, 132 हो जाता, तो क्या करना यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है ना, ऊपर में जाएगा तो जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। हाँ, नेक्स्ट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकती हो, जैसे पी के साथ कितना थ्री बाई टू मल्टीप्लाई है, तो दोनों के ऊपर भेज दोगे राइट साइड में, तो पी ये थ्री बाई टू है ना, तो राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा टू बाई थ्री बन जाएगा, थ्री बाई टू है राइट साइड गया मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया टू बाई थ्री बन गया ना, उलट गया। ठीक, तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब इसको मन है थोड़ा सा मार मार धार करो, आंसर लूटो, टू से सिक्स थ्री टाइम में, टू से सिक्स थ्री टाइम में तो कितना हो जाएगा ऊपर थर्टीन बच गया, नीचे कितना बच गया नाइन बच गया, तो पी बराबर थर्टीन बटा नाइन हो गया। सर मेरा 13/9 है, मैंने कट नहीं किया था, इनटू करके लिखा था। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहता सिंपलीफाई करके लिखिए क्वेश्चन को, जब भी आंसर आप
लेकिन 78/18 आया था तो मैंने कट किया, 34/9 आ गया। तो गलत है ना बाबू, कहीं गड़बड़ की होगी, कहीं गड़बड़ की होगी। सर विक्रम को देखिए ना, कब से बीच में आवाज निकाल रहा था। बहुत पिटेंगे जी। नहीं सर मैं नहीं था। नहीं निकल के आ बाबू, क्लिक करते रहते, रिमूव कर देंगे बाबू, फिर चल जाते रहना, शांति रहिए। क्लास डिसा बहुत बहुत सारा का पेरेंट्स भी पढ़ते रहते बाबू। देखिए अच्छा देख लेंगे, इसका स्टार मार तो देख लेंगे कभी। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो। सर अभी रुकिए सर, लिख रहा। लिखो जल्दी। अब हम लोग दोनों साइड एक्स वाला करेंगे, एक्स वाला दोनों साइड करेंगे, ठीक है ना। बोथ साइड एक्स रहेगा, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 669 नंबर का सर। अब वो सर मैं बोल रही थी, आपका 3 नंबर का आंसर क्या निकला था, 3x+6=6 का एक्स का वैल्यू कितना निकला था। कहाँ थी बाबू शांति, हद करती है जी। नहीं सर नेटवर्क चला गया था तो लीव हो गई थी मैं। अच्छा ठीक, कौन से क्वेश्चन नंबर का बाबू? सर 3x+6=6। अरे क्वेश्चन नंबर बोल, क्वेश्चन नंबर ना बोलिए बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर मैंने लिखी हूँ, 3 नंबर लिखी हूँ क्वेश्चन। हाँ तो नहीं, हाँ तो 3 नंबर तो वैसे आप हल्ला मत कीजिए, आपके बाबू ऐसे लिखे होगे तो करते रहो उस तरह से डांस, आपको सीक्वेंस ऑर्डर लिखा रहे ना जी। सर आपने वहाँ पे 1/2 लिखा है, उसको भी लिखना है। हाँ यू हैव टू आल्सो, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना सर। आप करके नहीं बता सकते हैं ऐसे, तो क्वेश्चन लिखते हैं इस, तो आपको आंसर बता देते और बच्चे सब लिख ले है। सर, तो नंबरिंग गलत सर, जैसे कि ना पहला का 2 छोड़ के फिर तीसरा नंबर का वही था जो लिखाए थे। सर विक्रम क्या कर रहा है जी? विक्रम जी सर, जी सर चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, 669 तो लास्ट का आंसर आ गया। अच्छी बात, नेक्स्ट बाबू म्यूट करो जी, कौन है वो? म्यूट करो बाबू। सबसे सीधा साधा मेरा बच्चा आशुतोष, आज तक जिंदगी में कभी बोल भी नहीं किया है कुछ, आता चुपचाप क्लास करता जाता। देखो 669 4/3x+3/2 और बराबर 4/3 है ना, ठीक बाबू। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व बाबू, है ना, सिंपल सी है बाबू, कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले जो एक्स वाला टर्म है ना, एक्स, अच्छा ठीक है, एक्स के साथ जो प्लस माइनस उसको पकड़ के एकदम कस के पकड़ के राइट साइड लेके जाओ, है ना, ठीक। तो एक्स के साथ +3/2 है, इसी को राइट साइड लेके जाओ, तो 4/3x बराबर 4/3 हो गया, और ये +3/2 है ना, तो राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो -3/2 हो जाएगा। आ इस तरह के बचपन में किस दिन के लिए एलसीएम सिखाए ना, ये सब सॉल्व करने के लिए बचपन इसी दिन के लिए सिखाए थे कि हमको भविष्य में यूज पड़ेगी। जो भी पीछे आपको पढ़ाए बाबू, है ना, वो सारा आगे यूज होता है। 3/2 का एलसीएम ले लो, बचपन में सिखाए 6 हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ो 6 कितने टाइम में, 2 टाइम में, न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 2 टा टेबल पढ़ो 6, 3 टाइम है न्यूमरेटर में 3 है। नेक्स्ट 4/3x, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9/6, बचपन में सिखाए थे 8-9 किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए सिखाए थे, 8-9-1 है ना, सारा इसी दिन के लिए सिखाए, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए सारा इसी दिन के लिए। 8-9-1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे सर, शांति से सुनना।
यहाँ फोर बटा थ्री है ना, तो ये पूरा को राइट साइड लेके जाओगे ना, स्टेप बाय क्यों हम लोग ये यहाँ फोर बटा थ्री क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ फोर बटा थ्री एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई, इसको पूरे को उधर लेके जाओगे ना तो इस तरह से हो जाएगा मल्टीप्लाई लिख देना, और यहाँ चार बटा तीन है ना तो ये उलट जाएगा, प्रोसेस के तहत करोगे तो वही आएगा, फोर को इधर राइट साइड भेजो चाहे तीन को राइट साइड भेजो है ना, तो अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट अगर करना तो एक्स के साथ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का टर्म अगर है तो ये राइट साइड जाएगा, तो ये चार बटा तीन चार बटा तीन है फोर बाई थ्री है ना, तो ये राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब थ्री बाई फोर हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा ठीक, ये डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं समझ में आता तो जो स्टेप्स है स्टेप्स वाई करो, दोनों का आंसर सेम ही है, डायरेक्ट करोगे तो कुछ ऐसी हो जाएगा, मतलब क्या सर अगर यहाँ से डायरेक्ट करोगे तो एक्स बराबर कितना है ना माइनस वन बाई सिक्स हो गया, आई फोर बाई थ्री राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर हो जाएगा, थ्री ऊपर चल जाएगा फोर नीचे चल जाएगा, अरे राइट साइड जाएगा तो उलट जाएगा तीन बटा चार रह जाएगा ठीक, ऐसे हो जाता है, इसको मार धार करो तीन थ्री टू जा सिक्स एक्स बराबर ऊपर में क्या वन है ना बच रहा, ऊपर में नहीं कुछ है तो वन है माइनस है तो माइनस हो गया, नीचे में टू फोर है तो ये टू फोर क्या ट्वेंटी फोर गलत, टू फोर मल्टीप्लाई फोर एट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया माइनस वन बाई एट आ गया सर। हाँ बोली सर, जैसे अपने वो सेकंड क्लास वाला जो स्टेप था ना आंसर से पहले वाला, उसमें सर आंसर से पहले वाला बॉक्स के ऊपर वाला, इस सर स्टेप में अपने माइनस वन बाय सर ये बोलना था ना जी, रुको ना जी बोलो इसका इंटू थ्री बाय फोर किया है तो सर आपने उसी टाइम उसको कट कर दिया सर, मैंने से इंटू करके लिखा था फिर भी मेरा आंसर वही आया वन बाय एट माइनस वन। अरे हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल कोई वन मल्टीप्लाई थ्री या सिक्स मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फोर हो जाएगा, थ्री बाय ट्वेंटी फोर कट करोगे तो वही आ जाएगा, या तो पहले कट करो चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद कट करो, तो मल्टीप्लाई कट करने के मल्टीप्लाई करने के बाद कट करोगे तो आपका एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा तो इसलिए पहले ही कट कर लो ईजी होगा। देखो जी लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो मेरा दूसरा आंसर है। अच्छा वो ठीक है वो देख लेंगे सर, कॉल हो गया सर, एक चीज पूछना है। क्या बाबू बोलिए सर, वो जो 4/3 और 4/3 है सर, अगर हम लोग सर उसको सर पहले 3/2 की जगह सर 4/3 लेके जाएंगे तब तो सर टोटली डिफरेंट आंसर आएगा। गलत हो जाएगा, डायरेक्ट 4/3 लेके जाओ, एक्स वाला को नहीं जाए साथ में पहले ले, पहले एक्स के साथ जो प्लस माइनस रहता है उस टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं, अगर एक्स वाले टर्म को पहले लेके गया तो गलती हो जाएगा, एक्स के साथ अगर कोई प्लस माइनस वाला टर्म प्रेजेंट है तो उसको लेके जाओ, अगर नहीं प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स वाले के साथ वाले टर्म को लेके जाओ ठीक है ना। अंकल वर्कल एरो वेरो सब देना है मत दो बाबू, छोड़ो लिखो जल्दी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी कैमरा डाउन करो ना बोली, ये सब का शैतान खाली छाते देखे चलाती है, यही करते रहना तनु, पढ़ाई नहीं करना यही करते रहना बैठ के, इसको भगा ही देने में फायदा नहीं सीखेगी तो नहीं जी यार। अब बाबू हम लोग दोनों साइड कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, दोनों साइड एक्स रहेगा है ना, वो वाला करते आ रहा बाबू, वीडियो ऑन करो स्वाति बाबू ऑन कीजिए। क्या हुआ काव्या क्रॉस चेक करोगी, देखो क्रॉस चेक करना, देखो जी क्रॉस चेक करना बाबू की एक्स का भाई, अच्छा ठीक है नहीं दिख रहा था पापा जी को फोन कीजिए, एक्स मोबाइल से कनेक्ट करो, एक्स बराबर माइनस वन बाई एट है ना, अब इसको कह रहा है क्रॉस चेक करने के लिए, तो एल एक्स एक्स के जगह क्या रखोगे माइनस वन बाई एट रखोगे, आई एल एच एस को सिंप्लीफाई करो, देखो आर एच एस बराबर आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा तो आंसर सही है, नहीं आएगा तो गलत है ठीक, देखो कैसे करना क्रॉस चेक, मैं लिख रहा था चलो लिखो क्रॉस चेक बाबू, तन्नु को ना फिर अभी सौ बार उठा बैठी कर, देखो तन्नु को उठा बैठी करवाएं, वीडियो आपको दिखाते हैं तन्नु वाला है ना, कल संडे को करवाएं फिर करवाते हैं उसको,
क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर? इस तरह से करना, 4/3x + 3/2 इक्वेशन का LHS लिखना। क्या लिखना? इक्वेशन का किसका लिखना? LHS वाला टर्म लिखना खाली, बस और कुछ मत करना। ये तो -4/3 आ रहा है, बताना तो। अरे पहले सुनो शांति से, जैसे कह रहे हो वैसे सुनिए। ये सब वीडियो खाली ऑडियो ऑन कर लेता है, परेशान करते रहता। हमको 4/3x + 3/2 LHS उठाओ और देखो 4/3 आता है कि नहीं आता है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वेशन का जिस साइड में x वाला टर्म रहेगा उसी साइड को लिखना। दोनों साइड रहेगा तो दोनों साइड करना है ना, LHS RHS दोनों करना। 4/3 है, x क्या मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का सिंबल दो। x बराबर कितना है सर? -1/8 है। x बराबर कितना? -1/8 है, तो -1/8 हो गया मल्टीप्लाई में। अरे एक्स 4/3 के साथ मल्टीप्लाई 1/8 हो गया, प्लस कितना हो गया? 3/2 है। अब इसको सिंपलीफाई करो, देखो 4/3 आ रहा है कि नहीं, RHS वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कैसे मल्टीप्लाई करो? देखो बाबू मल्टीप्लाई है, एक गो निगेटिव साइन मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो रिजल्ट क्या होता है? मल्टीपल माइनस आता है। मल्टीप्लीकेशन में एक ही साइन है निगेटिव, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो 4/3 × 1/8 और प्लस कितना? 3/2। 4 से 8 काट दो, 2 टाइम में 4 × 8 = 2, ठीक। ऊपर में क्या बचा? -1 बच गया, 3 × 2 = 6। यार बोलते ही कटेंगे, ये बीच में प्लस है, कैंसिल आउट हमेशा हम लोग इसको में करते हैं। सर आप थ्री के आगे क्यों माइनस डाले हैं? तो 3 और 1 का नहीं कट सकता? 3 1 कैसे कटेगा जी? तो कट सर आप 4/8 के आगे माइनस है, तो आप 4/3 के आगे क्यों माइनस डाले हैं? आप 8 बजे वाला क्लास अटेंड करना, उसमें भी तो खत्म हो गया शैतान कमजोर है। मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लिकेशन है, तो है ना मल्टीप्लिकेशन में एक गो निगेटिव साइन है ना, 2 गो अगर रहता तो हम लोग माइनस आगे आ जाता, या मल्टी इसके आगे नहीं कुछ है तो क्या प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? रिजल्ट माइनस होता। या ऐसे भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में एक गो निगेटिव साइन है तो यहाँ बाहर आ जाएगा। वो तो पता है कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है, वहाँ पे भी लिख सकते थे ना, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आगे जाके कंफ्यूजन होगा, यहाँ भी लिख सकते कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब ये कितना हो गया? 4 से 8 टू टाइम्स में कट गया, तो ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, नीचे में 3 है मल्टीप्लाई 2 है, 6 हो गया, अब प्लस 3/2 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, -1/6 + 3/2 बचपन में सिखाए। 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एलसीएम ले लो। 6 का टेबल पढ़ो, 6 कितने टाइम में? 1 टाइम में, ठीक। प्लस 2 का टेबल पढ़ो, 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में। न्यूमरेटर में क्या 3 है? सही है सर। आ देखिए क्या हुआ जी, 1 × 1 - 1 × 1 कितना? 1 हो गया। 3 × 3 कितना? 9/6। आप लोग को फिर से बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, इसमें से सब बच्चा को छाट के सर मुझे आता है 8 बजे, इसमें से छाट के 8 बजे का करेंगे। -1 + 9 कितना बचपन में पढ़ा है? -1 + 9 कितना? 8 होगा, 9 में 1 सबट्रैक्ट करो 8 होगा, 8/6। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए नहीं बताया, दोनों में कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों में कॉमन है? 2 बाबू, 2 का टेबल, तो 2 से 8 काटो 4 टाइम में, 2 से 6 काटो 3 टाइम में, 4/3। RHS में यही है ना जी, क्वेश्चन में देखो RHS में यही है, तो इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे। सर ये थोड़ा सर इसका आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मेरे में ब्लर आ रहा है सर, दिखा रहा है और नेटवर्क बैंडविड्थ इशू सर, जो नंबर 669 है ना सर, उसमें जो वो एक चीज कंफ्यूजन है सर। अच्छा ठीक है बता, मेरा वाला दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो।
भेज रहे हैं इस तरह। तो वीडियो भेज रहे हैं? नहीं जी, सर इस धरी लिखा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, आगे जल्दी पढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन। सर मैं बच गई ना। तबीयत ठीक नहीं सालनी? सर ठीक है, बस ये लोग चिल्लाते बहुत। चिल्लाते लिखती क्या नहीं सालनी, नहीं लिखोगी तो कैसे होगा भोली? बना के बैठे हुआ। सारे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्लास फिनिश होगा तो पूछना क्वेश्चन। लिखो जल्दी इसको बाबू। सर जो x equals to minus 1/6 सर हमारा कंप्यूटर में है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और वो सब। अच्छा ठीक है, पढ़िए बाबू, आप पढ़ाएंगे शाम को, पढ़ लेना। जैसे ऑक्टल नंबर जिसमें 8 होता है नीचे ब्रैकेट के। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है स्वयं? सर बोल रहा हूँ कि सर जो 4/3x था सर, उसको अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो सर उसको 3/4 क्यों किया जाता है? क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 होता है, राइट साइड जाएगा तो ऊपर, इधर 3 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसी कारण बाबू जो बेसिक कंसेप्ट है वही है। ओके सर। नेक्स्ट बाबू, होमवर्क दे दीजिए। कितना टाइम हुआ जी? 55 हुई है। सर मेरा वीडियो दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, सारा बच्चा 7:05 नहीं 7:05 तक पक्के टाइम पे आ जाना बाबू। आप लोग 7:20 तक आते हो, कूट देंगे 7:20 तक आइएगा तो। 7:10 तक मैक्सिमम टाइम है, 7:10 तक आ जाइए, टाइम नहीं बचता। क्या बोले सर? टाइमिंग तो 7:10 है ना। हाँ तो 7:10 तक एकदम आ जाओ, प्रकट हो जाओ, ठीक है ना? ये सब 7:20 तक आता है, 7:25 तक कूट देंगे पकड़ के, 7:10 तक प्रकट हो जाए। सर आप बोले 7:10 मैक्सिमम है ना? सर लिखिए सर, राइट टाइम क्या है आप बोले, मतलब एकदम लेट आना तो 7:10 में एग्जैक्ट टाइम क्या है? 7 से 7:10 इसके बीच में आते रहो, 7:10 के बाद आएगा कूट देंगे, ठीक है ना? 10 मिनट का है आपका, 7:00 कनेक्ट करो, 5-10 मिनट कनेक्ट हो मिला गया। सर अब मैं लैपटॉप से वापस क्लास करूँ। सर बोल रहा हूँ कि सर टाइम को तो सर थोड़ा शिफ्ट कर देंगे सर, वो सर लीव हो जाओ। सर क्वेश्चन बनाएगी कौन, लीव हो जाओ सर, बस 3 क्वेश्चन। हाँ सर। सर ज्यादा मत दीजिएगा, एग्जाम है। यस सर, क्लास टेस्ट भी है। लो लो सर, हमारा तो एग्जाम कब का हो गया? सर मेरा वीडियो दिखाओ ना सर। सर मैं अभी बना रही हूँ क्वेश्चन। सर मेरा वीडियो दिखा दीजिए। अच्छा हल्ला मत कीजिए। सर मैं लीव कर सकती हूँ? ठीक है, जाइए जिंदगी जिए, जी लीजिए।